जो भी बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे होंगे एडवांस पार्टी वाले, वो ब्रह्मा के साकार रूप को याद नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा वाली आत्मा के द्वारा तो याद करने की बात ही नहीं। तो पक्का पक्का निराकार उपासी, सो पक्का पक्का दुनिया का सबसे दुष्चरित्र साबित हुआ या नहीं हुआ? है? हुआ, क्योंकि शिव बाप आते ही किसमें है? है? बड़े से बड़े पतित कामी कांटे में आते हैं। अब जो सबसे जास्ती दुष्चरित्र हुआ, वो ज्ञान गहराई में उतरता जाएगा या उथला उथला ही बना रहेगा? ज्ञान तो और जास्ती गहराई में जा रहा है। तो जब संपूर्ण ज्ञानी हो जाए, संपूर्ण ज्ञानी अर्थात अपने 84 जन्मों का पूरा ज्ञान हो जाए, तो कहेंगे संपूर्ण ज्ञानी। उस समय साकार में निराकार की उपासना करने वाला साबित होगा या सिर्फ बिंदु को याद करने वाला साबित होगा? उस अंतिम स्टेज में जितना वो स्वरूप साकार में निराकार को याद करने का अभ्यास ही होगा, उतना दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अपने स्वरूप को याद करना सहज है या दूसरे स्वरूप में याद करना सहज है? अपने स्वरूप को याद करना और सहज है, वो तो आत्मिक स्थिति में रहने वाली बात हो गई। आत्मिक स्थिति में रहना ये तो बहुत सहज होता है, औरों के लिए कठिन हो सकता है, लेकिन राम वाली आत्मा के लिए बहुत सहज से सहज। और ओहो फाड़ फूट गया, लग कर दिया। कोई ने पूछा है, बाबा भक्ति मार्ग में कहते हैं कि काशी में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, तो बाबा बेहद की काशी नगरी में कैसे मरे? हाँ? अरे इसका जवाब किसी को मिला या नहीं मिला? है? किसी को नहीं मिला? है? क्या मिला? अगर तुमको मिल गया है, इन सबको नहीं मिला है, तो तुम सबसे पहले मरोगे। अरे जिसको पता चल गया वो तो पहले मरना चाहिए ना? है? नहीं मरना चाहिए? हाँ बताओ, क्या पता चला? बेहद की काशी कौन है? ये तो चुप हो गया। अगर मरना है बेहद की काशी में, तो बेहद के काशी के स्वरूप को पहचानना पड़े। भक्ति मार्ग में तो कहते हैं कि शंकर जी को दुनिया में और कोई इतना प्रिय नहीं है जितनी काशी नगरी प्रिय है। अरे शंकर जी को पार्वती प्रिय नहीं है? हैं? अरे पार्वती इतनी प्रिय नहीं है, फिर तो पार्वती लड़ाई लड़ेगी? लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी? है? लड़ेगी? क्या शास्त्रों में ऐसा कोई बखाना आया है कि पार्वती ने शंकर जी से लड़ाई लड़ी हो? ये कैसे हो सकता है? आया है? नहीं आया? क्या आया? आपस में ही लड़ पड़ते हैं। एक कहता आया, दूसरा कहता नहीं आया। हाँ तो बताओ,
पार्वती जितने सहयोगी थे हैं? पार्वती है ना, उसकी जो सहयोगी जो बहने थी उनको आप बहनों के समान देखती थी, ईर्ष्या भाव कभी नहीं करती थी। पार्वती? अच्छा, पार्वती में ईर्ष्या द्वेष नहीं था है? नहीं था। अरे महल बनाने के लिए शंकर जी से हुज्जत की थी कि नहीं की थी है? तो ईर्ष्या द्वेष था कि नहीं था? तो तुम झूठ बोले है? अरे तो सबको काशी नगरी भूल गई, तो काशी नगरी का ही पता नहीं है तो कहां जाके मरे है? 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 अरे साकार भी निराकार तो बोलते अंदर अंदर धीरे धीरे बोल लेते हैं, बता नहीं। काशी शब्द का अर्थ क्या है? काश्य शब्द से बनता है काशी। काश्य माने तेज, तेज का भंडार, तो बना काशी। असली तेज क्या है? याद का तेज है असली बात। याद जो ब्राह्मण जीवन का तंत है, क्या याद? लेकिन याद भी तब आएगी जब नहीं, रावण को ज्ञान बहुत था है? याद भी तब आएगी जब पवित्र बनो, इसलिए स्लोगन दिया है बाबा ने, पवित्र बनो योगी बनो। ये नहीं कहा योगी बनो पवित्र बनो, क्या बोला? पवित्र बनो योगी बनो। तो याद का, याद है ब्राह्मण जीवन का तंत, परंतु वो याद भी तब आवेगी जब हम पक्के ब्राह्मण अर्थात पवित्र बने। तो रुद्रमाला में ज्ञान तो बहुत है ना, ज्ञान बहुत है, लेकिन क्या पवित्र भी बहुत हैं? हाँ, कि लूले लंगड़े हैं? पवित्रता में नाक रगड़ रगड़ के चल रहे हैं या हाई जंप लगा के चल रहे हैं? हाँ? अरे लूले लंगड़े हैं या नहीं है? लूले लंगड़े हैं। रुद्रमाला होती है लूले लंगड़े अंधे कूने कांचे कुबरों की। इसका मतलब प्योरिटी की पावर है नहीं है, और जब प्योरिटी की पावर नहीं है तो जितनी याद करना चाहते हैं उतनी याद नहीं कर पाते हैं। तो याद में कच्चे कहें या पक्के कहें है? कच्चे हैं। ये तो हुई लंगड़ों की कहानी, अब अंधों की भी कहानी है। अंधे लंगड़े की कहानी है ना, अंधों की क्या कहानी है? हैं? अगर एकदम साफ रास्ता मिल जाए, कोई कांटा वाटा रोड़ा पत्थर पहाड़ ना आ जाए, दीवार ना आ जाए, तो आंखों से भले अंधे हैं, तीखी दौड़ दौड़ सकते हैं या नहीं दौड़ सकते हैं?
दौड़ तो सकते हैं, लेकिन ज्ञान के अंधे हैं, इसलिए दौड़ नहीं सकते। पुरुषार्थ की दौड़ में जितना तीव्र दौड़ना चाहिए वो नहीं दौड़ सकते हैं। तो दोनों तरफ असमर्थता है, लेकिन रुद्रमाला में सब तरह के बीज हैं। यह हर तरह के बीज हैं और एक प्रकार का बीज नहीं है, ऐसा हो सकता है? हाँ, रुद्रमाला में हर तरह के बीज हैं। याद की दौड़ में तीखे जाने वाले भी हैं, 100% तीखा जाने वाला भी कोई होगा। तो पवित्रता की दौड़ में भी कोई 100% तीखा जाने वाला होगा या नहीं होगा? होगा। वो है काशी नगरी, काश्य माने याद का तेज भरा हुआ है, और वो प्योरिटी भी भरी हुई है, जिस प्योरिटी के कारण त्रिदेवियां भी ईर्ष्या में आ जाती हैं। क्या पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती त्रिदेवों की तीन देवियां हैं, और तीनों देवियों को जब उनके देवताएं बताते हैं त्रिदेव कि तुम्हारे से भी ज्यादा प्योरिटी किसमें है, एक और देवी है जिसमें तुम्हारे से भी ज्यादा प्योरिटी है, किसका नाम लेते हैं? अनसूया। क्योंकि शास्त्रों में दिखाते हैं पार्वती को भी असूया आती है, ईर्ष्या आती है औरों के साथ, जिसमें संपूर्ण पवित्रता होगी, प्योरिटी भरी हुई होगी, इम्प्योरिटी का नाम निशान नहीं होगा। तो वो दूसरों से ईर्ष्या करेगा है? राजाओं को भक्ति मार्ग में सैकड़ों रानियां दिखाई गई हैं, आपस में ईर्ष्या होती थी या नहीं होती थी? है नहीं होती थी? है? ओ भाई कहता भले सैकड़ों रानियां होती थी भक्ति मार्ग में, लेकिन ईर्ष्या नहीं होती थी। भूल गया कि मैं राजा बना था। तो जो महारानी या बड़ी रानी होती है उसको और रानियों से उतनी ईर्ष्या नहीं होती है। तो जिसमें ईर्ष्या है उसमें जरूर अपवित्रता है, अंश मात्र कहीं न कहीं है। जिसमें इच्छा मात्र अविद्या भी नहीं है, तो रिजल्ट क्या होगा? है बाबा ने बोला अगर काम का अंश भी है तो क्रोध जरूर आएगा, और क्रोध का अंश है, क्रोध का एक स्वरूप ईर्ष्या भी है। जिसमें काम विकार होगा उसमें क्रोध जरूर होगा, क्रोध का अंश जरूर होगा, ईर्ष्या भी होगी। और जिसमें काम नहीं होगा उसमें ईर्ष्या भी नहीं हो सकती। तो त्रिदेवियों में ईर्ष्या दिखाई गई है शास्त्रों में, इसलिए उनके नाम
अनुसुईया नहीं हो सकते, जिसमें वो कोई भी ईर्ष्या भाव नहीं है। नाम ही काशी है, नाम ही अनुसुईया है। अनुसुईया माने अन असुईया, ईर्ष्या है ही नहीं। उसका नाम शास्त्रों में अनुसुईया रखा गया। तो रुद्रमाला में एक ऐसा मणका भी है जो प्योरिटी में बहुत तीखा है, इतना तीखा है कि त्रिदेवियों के को भी उसके सामने झुकना पड़े। इसलिए बाबा ने टाइटल दिया है, और कन्याओं माताओं को तो टाइटल दिया है दादी दीदियां, और उसको क्या टाइटल दिया है परदादी। बेसिक में होगी तो एडवांस में भी जरूर होगी। वो जिस ग्रुप का संचालन करे या जो ग्रुप ब्राह्मणों का उस परदादी मां को मानने के लिए तैयार हो, मानता होगा तो जानता भी होगा। और उसके सन्मुख तन से मन से धन से समय से संपर्क से वाचा से जैसे चलाओ वैसे चले, तो मरना हो गया कि नहीं हो गया? हैं, मरना हो गया। ऐसे संगठन में जिसका संचालन अनुसुईया उर्फ काशी नगरी कर रही हो, जहां का ये नियम रखा गया है कि वहां जाकर के मरेंगे तो स्वर्ग में जावेंगे, पक्का है। अब जो मर जाते हैं वो अपने परिवार वालों से, पूर्व परिवार वालों से फोन से बातें करते हैं, है? करते हैं नहीं करते हैं? उनकी मुंह दिखाव नहीं करते हैं, है? आना जाना करते हैं, है? नहीं करते? हाँ, भूत प्रेत कोई बन जाए तो आना जाना कर सकता है, लेकिन ये तो भूत प्रेत बनने वाली आत्माएं नहीं है, ये तो पवित्र रहने वाली आत्माओं का सूर्यवंशी ग्रुप है। वो तो इसी शरीर से प्रारब्ध प्राप्त करेंगे, वर्षा प्राप्त करेंगे भगवान का। शरीर छोड़ करके अचानक मौत हो जाए, ऐसी पाप आत्मा बनने वाली आत्माएं नहीं है। तो मिलना जुलना भी बंद। तो इतना कोई मरेगा पहले है? नहीं मरेगा। अगर मरेगा नहीं तो फिर वो संगठन कैसे तैयार हो रहा है? कोई तो मरेगा। तो बोला है काशी में मरेंगे तो स्वर्ग में जावेंगे। तो पूछा है वेद की ऐसी काशी नगरी में कैसे जाना है? अरे जैसे यहां आ गए वैसे वहां भी चले जाओ। यहां कैसे आ गए? हैं? अरे यहां पांव से चल के आ गए ना, कोई ट्रेन से आए होंगे, एरोप्लेन से भी आए होंगे, फोर व्हीलर से आए होंगे, आए ना, कोई फैसला करके आए होंगे ना। तो वहां का नियम बता दिया, जाने से पहले क्या फैसला करना है?
आप मुए मर गई दुनिया, पुरानी दुनिया खत्म। जो मर जाते हैं उनकी पुरानी दुनिया खत्म हो जाती है कि आना जाना करते हैं, खत्म हो जाती है। तो भक्ति मार्ग में ये गायन चला आ रहा है, ऐसा प्रैक्टिकल में देखा किसी ने नहीं। मरने वाले तो बहुत मरने के लिए गए काशी नगरी में, लेकिन स्वर्ग में कोई नहीं जाता, यहाँ के यहीं नरक में जन्म लेते रहते हैं। तो यादगार कहाँ की है? यहाँ की यादगार है। जिस ब्राह्मणों की दुनिया के ग्रुप के लिए बोला है अव्यक्त वाणी में कि तुम बच्चों के लिए नई दुनिया का फाउंडेशन बाप ने लगाया है, उस नई दुनिया में आना जाना करते हो ना, तो जिन्होंने लक्ष्य लिया होगा।
जो हठ योगी होते हैं ना, वो प्राणवायु को बहुत महत्व देते हैं। वायु मालूम कितने प्रकार की होती है, हैं? वो कहते हैं प्राणवायु, दान वायु, अपान वायु, पांच प्रकार की भांति भांति की वायु के नाम रखे हैं। प्राणवायु को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन जो वायु गंदी वायु शरीर से निकलती है, जिसे गैस कहते हैं, उसका नाम बोलचाल की भाषा में भी उन गिरजाघर के जो मुखिया हैं उनसे कनेक्ट कर दिया गया है। वो जो भी, क्योंकि बोला जाता है ना मुख से, तो मुख से आवाज निकलती है कि नहीं है? मुख से आवाज तो निकालते हैं कुछ न कुछ, ज्ञान के नाम पर ज्ञान की बातें तो सुनाते हैं। वो समझते हैं कि हम ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन वास्तव में जो कुछ भी सुनाते हैं, और सुना सुना करके उन्होंने भारत के हिंदुओं को क्या बना दिया है, क्रिश्चियन बना दिया, गिरजाघर का फॉलोअर बना दिया, ऐसा सुनाया कि जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ घर भगवान बनाता है स्वर्ग, उसको गिराने वाले बन जाते हैं। ऐसी बातें सुनाते हैं, ऐसी वायु बोलने के साथ निकलती है, तो वो ऊंची वायु है या नीचे ले जाने वाली वायु है? वो नीचते नीच वायु है, जो हिंदू धर्म के और देवी देवता सनातन धर्म की बातों का क्या करती है, ग्लानिंग करती है। वो प्राणवायु नहीं है, जिंदगी जीना नहीं सिखाती है क्या? जिंदा रहना सिखाती है या मुर्दा बनाना सिखाती है? सारी दुनिया मुर्दा बन जाती है। जैसे मुर्दों को कोई ज्ञान सुनाए तो सुनेंगे है? नहीं सुनेंगे। ऐसे ब्राह्मणों की दुनिया में बहुत हैं, उनको ऐसी वायु भर दी है उनके मगज में, ऐसी ग्लानी की वायु भर दी है, मुख से वायु निकलती है ना बोलते समय, कि वो मुर्दे बन करके पड़े हुए हैं, कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये मुर्दों की दुनिया हो गई, इसलिए वो मुर्दों की दुनिया पांच तत्वों की दुनिया हो गई, जड़ तत्वों की। मुर्दे में क्या रह जाता है? पांच जड़ तत्व रह जाते हैं, जड़त्वमयी दुनिया हो गई। वो जड़त्वमयी दुनिया भगवान को न जानती है न मानती है,
जड़त्वमयी बुद्धि है। और जब ऐसी जड़त्वमयी बुद्धि बन जाती है तो वो नरक बनाते हैं या स्वर्ग बनाते हैं? नरक बनाते हैं। भगवान जो स्वर्ग का घर बनाता है उस घर को गिराने वाले बनते हैं। भारतवर्ष में देवी देवता सनातन धर्म पूरा लोप हो गया या अभी भी ऐसे परिवार हैं जिन परिवारों में मुखिया राजा की तरह रहता है, राजा की तरह उसकी मान्यता होती है? भगवान ने जो परिवार, जो घरगस्त आश्रम बनाया था वही परंपरा अभी भी चलती है। उन परिवारों को, उन घरों को वो गिराने वाले हैं। जिन घर परिवार के सदस्यों को, भारतीय स्वर्ग सदस्य परिवारों को गिराने के वो निमित्त बनते हैं और जिनको जिनको गिराते हैं उनका हुजूम बनाकर उस हुजूम का जो ठिकाना बनाते हैं उसका नाम रख देते हैं गिरजाघर, और मुखिया बनकर के बैठते हैं उसका नाम पड़ता है पादरी। क्या करते रहते हैं? जैसा नाम है वही रही, उनका कोई दूसरा धंधा नहीं है। संसार में प्राणवायु नहीं छोड़ सकते, जो सारी दुनिया अमर बन जाए, स्वर्ग के देवता बन जाए। मुख से गाते रहेंगे पैराडाइज पैराडाइज पैराडाइज, वो भी बोलते हैं क्या है पैराडाइज? डाई माने क्या होता है? मरता है। डाइज माने मरता है, और परा माने परे। जो मर जाता है वो इस दुनिया से परे चला जाता है, पैराडाइज में चला जाता है। समझते नहीं हैं कि जीते जी कैसे मरा जाता है, कैसे पैराडाइज में जाते हैं। भारत में मान्यता तो है कि जो काशी में मरते हैं वो पैराडाइज में, स्वर्ग में जाते हैं। उनको काशी का ही पता नहीं है, कोई पता कराए भी तो और ही ग्लानी करेंगे। क्या ग्लानी करेंगे कि गायन करेंगे? और ही ग्लानी करेंगे। कुदरत को मानेंगे, प्रकृति को मानेंगे, क्या भगवान को नहीं मानेंगे? नेचर को मानेंगे, और नेचर को मानेंगे वो तो सारे जगत की अंबा है, जगदम्बा को मानेंगे, जगत पिता को नहीं मानेंगे। और किसी ने पूछा है तुलसीदास महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान ये पार्ट बाबा के हैं तो शिवाजी का पार्ट भी राम वाली आत्मा का है क्या? अब बाबा ने तो बोल दिया व्यक्तवाणी में, क्या क्या बोल दिया?
कि बाबा या बाप दादा बोर्ड पर या कागज पर लिख करके नहीं बतावेंगे, बतावेंगे ही नहीं कि किसका क्या पार्ट है। ये तो जिसका जो पार्ट होगा वो स्वतः ही अपनी वाणी से अपने पार्ट को प्रत्यक्ष कर देगा। बाबा को एक एक का पार्ट बताने की दरकार नहीं है। और भूख लगी, चल।